हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे कल मार्केट कहाँ पे मूव कर सकता है, कौन से स्टॉक्स आपको बढ़िया पैसे बना के दे सकते हैं, क्या लेवल्स होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए और आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया हमारे साथ। उससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है गाइस कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेक करोगे तो आपको एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स एंड अलाइस, ब्लूमेट, डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिंक मिलते हैं। आप चाहो तो हमारे लिंक के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो और हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अगर देखेंगे मार्केट में अच्छी खासी शार्प रिकवरी आई है, मार्केट एक डाउनफॉल दिखाया और फिर बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल गई अप्रॉक्स 600 पॉइंट्स की, है ना। लेकिन समझने की कोशिश करते हैं कि आज जो हमने ट्रेड लिया, देखिए जैसे कि आज हमने ट्रेड लिया था, सबको पता है कि जब मैं लाइव आया था मैंने बोला था कि 37,000 जैसे ही ब्रेक करता 5 मिनट के कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हो। तो 5 मिनट के कैंडल पे 37,000 ब्रेक किया, रीटेस्ट हुआ है और रीटेस्ट पे अपन ने एंट्री लिया, अच्छा खासा हमें कल आज प्रॉफिट बनता हुआ नज़र आया। एंड आज हम लाइव में भी मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि अगर 800 का लेवल ऊपर ब्रेक करता है तो आप बाय कर सकते हो। उसके पीछे का लॉजिक क्या था, एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, थोड़ी देर तक आ जाएगा, पूरा बेस्ट सेटअप, एक 5-स्टार सेटअप किस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, किस तरह से उसको आप ट्रेड कर लेते हो, मतलब कि क्या है हाई प्रोबेबिलिटी जहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट आपको मिलता हो। तो आज वही सेटअप बना था, इसलिए अभी मैं आज जो हुआ है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन कल क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं 1 डे का कैंडल लगाऊंगा और सारा कुछ एक बार रिमूव कर देते हैं ना, रिमूव इंडिकेटर्स एंड ऑल्सो नहीं रिमूव इंडिकेटर नहीं करते हैं, रिमूव ड्राइंग्स कर देते हैं, राइट, रिमूव ड्राइंग्स एंड इंडिकेटर्स को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक जो कैंडल ये बना है बहुत बुलिश टाइप का कैंडल बन गया है, नीचे जिस तरह से शार्प रिकवरी आई है, एक हैमर टाइप का बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी आप एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी के अगर आप चार्ट को देखोगे कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा, एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट के साथ क्लोज किया है मार्केट को, ब्रेकआउट दिया है लाइफ टाइम हाई का लेवल अप्रॉक्स ये वाला लेवल जो है, मैं एक सेकंड आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा देता हूँ जो कि आपको समझने में आसानी हो। देखिए अभी साइकोलॉजी समझिए, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए, ये वाला लेवल को ब्रेक किया है मार्केट और इसके ऊपर मार्केट लगातार सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर हाई लगा के नीचे आया है एंड नीचे यहाँ पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिया। लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, आज जो एक्शन किया है मार्केट ये थोड़ा सा आपको सोचने में मजबूर कर देगा, जो भी सेलर्स हैं जो भी पुट लेके बैठे हैं उनको थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है एक तेजी का सिनेरियो आपको बनाता हुआ नज़र आ सकता है। अगर मार्केट एक बार कल आपको 37,300 का लेवल ब्रेक करता हुआ नज़र आए, 37,300 का तो बहुत आराम से 37,600 तक का टारगेट आपको मिल सकता है कल, तो 300 के अलावा आप चाहो तो इसमें बाइंग बना सकते हो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है। बट मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक रेंज यहाँ पे और आ रहा है, जो लोग भी पुट बाय करना चाहते हैं या अग्रेसिव होकर सेलिंग करना चाहते हैं, भाई आप ध्यान से समझिए कि ये लेवल बहुत ज़्यादा अहम रहने वाला है बाजार के लिए। जो मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, अगर आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करता है, फिर नीचे आता है, फिर रिटेस्ट किया है, फिर इसको ब्रेक किया, मार्केट में अच्छा खासा तेजी आया एंड दोबारा देखिए इसको यहाँ पे टेस्ट किया है। अगर इसको दोबारा से यहाँ पे टेस्ट करता है और मार्केट रिवर्स होता है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है तो एक अच्छा खासा गिरावट आएगा। हो सकता है पहला टारगेट आपको 35,000 ये लेवल का मिल जाए, 35,300 के लेवल का, 35,300 के लेवल का, उसके बाद 34,800 का टारगेट आपको हो सकता है नीचे की तरफ मिल जाए। तो अग्रेसिव सेलिंग सिर्फ और सिर्फ 36,250 के नीचे आने वाला है, उससे पहले आपको अग्रेसिव सेलिंग देखने को नहीं मिलेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न बना है और एक W पैटर्न को फॉर्म किया है। ध्यान से अगर देखोगे आप, इसलिए मैं 800 के ऊपर आपको बाइंग करने की सलाह दे रहा था, यहाँ पे एक W पैटर्न का फॉर्मेशन चल रहा था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे एक लेवल लगाऊंगा 800 के आसपास, यस ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा W पैटर्न बनाया और मार्केट पूरा का पूरा ऊपर चला गया, ये देखिए, ठीक है ना, इसके ऊपर मार्केट गया है, अभी मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो इस W पैटर्न का जो लेवल है ये लेवल अहम होगा इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। तो इंट्राडे में अगर एक बार 800 को लेवल, मैं तो यही कहूँगा 800 का लेवल, अगर 800 का लेवल आपको ब्रेक करता हुआ नज़र आता है, 36,800 का लेवल, तो इसको आप शॉर्ट कर सकते हो, जो आपके टारगेट्स होंगे वो बड़े आराम से 36,300 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं,
36,300 तक, यानी 500 पॉइंट्स के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्केट ऊपर निकलता है सेम जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया 300 के अबव हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मार्केट में ढूंढ सकते हैं 37,300 के अबव। बट शर्त यह है कि बड़ा गैप अपना ओपन हो। अगर बड़ा गैप अब ओपन हो जाता है कहीं 200-300 के रेंज पे, 300-400 पॉइंट के ऊपर, 300 पॉइंट ऊपर खुल जाता है तो फिर दिक्कत करेगा, क्योंकि मोमेंटम खो चुका होगा और वहाँ से हो सकता है रेंज बाउंड हो जाए या हो सकता है वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल जाए। अगर फ्लैट खुलता है तो आप यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है तो आप बाय कर सकते हो, और सेलिंग के लिए हमें वेट करना पड़ेगा 36,800 के लेवल का ब्रेक होने के लिए। ठीक है, निफ्टी में क्या बन रहा है, निफ्टी में आइए निफ्टी में देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी को लगाया मैंने, निफ्टी में अगर ध्यान से आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपको बड़ा अच्छा खासा पैटर्न देखने को यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पे एक सेकंड, सारा मैं सारे लेवल्स एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ। निफ्टी में आज मैंने 460 के अबव बाय करने के लिए बताया था निफ्टी को, ध्यान से अगर आपको याद होगा तो, अगर हमारे आप वेबिनार में आए थे तो आपको पता होगा 460 के अबव बाय करने के लिए कहा था, और उसके ऊपर जाते ही मार्केट में अच्छी खासी तेजी आई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला लेवल बन रहा था, यहाँ पे इस लेवल के ऊपर मैंने बाइंग करने के लिए कहा था, जो कि आज का मॉर्निंग का ओपनिंग लेवल था, ओपनिंग ओपन हाई जो लेवल था उस लेवल को ब्रेक करके मार्केट अच्छा खासा तेजी दिया है। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं अगर वन डे का कैंडल आप लगाओगे तो अच्छा खासा मोमेंटम है और अच्छा खासा लेवल भी है। सॉरी, ये देखिए निफ्टी ने एक ऊपर की रैली पकड़ी हुई है, मार्केट ऊपर जाता है, हल्का सा रिट्रेस, फिर ऊपर गया है, फिर हल्का सा रिट्रेस लिया है। अभी एक ये पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, अगर इस तरह से आता है फिर इस तरह से अगर आता है तो एक हेड एंड शोल्डर को पैटर्न बनाएगा, और मार्केट यहाँ से इसके नीचे अगर आता है तो फॉलो होगा। ध्यान से तो देखने की कोशिश कीजिएगा, एक मैं यहाँ पे छोटा सा लाइन बनाऊंगा, राइट, अप्रॉक्स ये लाइन है ना, इस लाइन को मार्केट कहीं भी अगर ब्रेक करता है तो एक हमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल जाएगा। ये जो लेवल बन रहा है ये अप्रॉक्स बन रहा है 17,360 रुपये का, 17,360 रुपये के नीचे मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ हो सकता है। उससे पहले मैं निफ्टी में अब सेलिंग के लिए नहीं जाऊंगा, अगर आज मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देता तो मैं बहुत अच्छा खासा सेलिंग के लिए जाता, लेकिन अभी जो क्लोजिंग है ये क्लोजिंग चौंकाने वाला है, एक बढ़िया हैमर कैंडल में क्लोजिंग दिया है, तो अभी मैं मार्केट में सेलिंग से बिल्कुल दूर रहने वाला हूँ, राइट, सेलिंग को मैं अवॉइड करूँगा अभी फिलहाल। कल मार्केट में मोमेंटम कहाँ हो सकता है तो हम देखेंगे। सबसे पहले अगर मार्केट एक बार 17,600 का लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है, 17,600 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ है और मार्केट यहाँ पे सब इसके ऊपर निकला है, तो कहीं ना कहीं अगर इसके नीचे दोबारा से मार्केट आएगा तो मैं सेलिंग करना चाहूँगा। तो मार्केट एक बार अगर 17,480 रुपये के आसपास आता है तो बहुत अच्छा खासा तो नहीं, बट छोटा मोटा आपको यहाँ पर टारगेट मिल सकता है अप्रॉक्स। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है, इस लेवल के नीचे निकलता है, तो आपका यहाँ तक का टारगेट आपको मिल सकता है जो कि 480 पॉइंट का है, इनफ है, बहुत ज़्यादा है। बट आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपको ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस मैक्सिमम आपको निफ्टी में 30-40 पॉइंट लगाना है, 30 पॉइंट मैक्सिमम आपको लगाना है, और बैंक निफ्टी में सेम वही आप 100 पॉइंट या फिर 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आप बैंक निफ्टी में चल सकते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने क्या बताया था आपको, ये लेवल है ना। हाँ, बैंक निफ्टी में अगर आप सेलिंग में जाते हो तो छोटा स्टॉप लॉस की जरूरत है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी 800 के लेवल के नीचे अगर निकलता है तो। कुछ स्टॉक्स हैं, सबसे पहला स्टॉक हमारे पास होगा मेटल सेक्टर से जो कि है टाटा स्टील। टाटा स्टील में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक लेवल मैंने आपको बताया था जो कि लेवल बहुत अच्छा खासा 1217 रुपये का लेवल है, वो लेवल आज ब्रेक नहीं कर पाया, बट यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बना के मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट एक बार 1325 रुपये के लेवल को ब्रेक करता है, ध्यान से समझिएगा, 1325 रुपये के लेवल को ब्रेक करता है तो एक हमें तेजी का सिनेरियो देखने को मिल जाएगा टाटा स्टील में, और जो टारगेट हमारा होगा वो बड़े आराम से 1375 पहला, दूसरा 1400 का मिल जाएगा। तो अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो बाइंग करेंगे। सेलिंग के लिए अभी अगर आप देखोगे, सेलिंग करना चाह रहे हो अगर आप, तो कम से कम मार्केट को 1250 रुपये के नीचे निकलना पड़ेगा, 1255 रुपये के नीचे आप शॉर्ट में जा सकते हो, उससे पहले आपको नहीं जाना है। टारगेट आपका क्या होगा, 1217 रुपये तक के टारगेट मिल सकते हैं अगर इस लेवल को, 50 रुपये के लेवल को ब्रेक करता है। एंड नेक्स्ट स्टॉक हमारा होगा ICICI बैंक, तो मैं ICICI बैंक एक बार लगाऊंगा आपके सामने। देखिए ICICI बैंक में अच्छा खासा मोमेंटम बना है, मैंने कल डिस्कशन किया था कि मेरे भाई की एक ट्रेंड लाइन चल रहा है और 705 रुपये का लेवल, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है
तो 710 रुपये का के आसपास ट्रेंड लाइन था, तो अच्छा खासा गिरावट आएगा। और 694 693 रुपये तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर आपने इसमें सेल किया होगा तो बहुत बढ़िया, आपको पैसा बना है। लेकिन अभी मोमेंटम पूरा का पूरा जितना गिरावट था वापस आता हुआ नज़र आ रहा है, कल इसको हम बाइंग में लेके जाएंगे मेरे भाई। अगर 716 रुपये के अबव हमें ICICI बैंक मिलता है तो एक अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। जो टारगेट हमारे होंगे वो अप्रॉक्स अप्रॉक्स 732 रुपये तक होंगे आने वाले 1 से 2 दिनों में, है। एक स्टॉक में आपको और बताना चाहूँगा, TCS, जो कि कल भी बताया था मैंने, आपको पता होगा। TCS में अगर देखोगे मार्केट कंसोलिडेट रहा, कुछ नहीं हुआ है ज़्यादा मोमेंटम TCS में। यहाँ पर मैंने बताया था कि 5 मिनट की कैंडल, अगर 5 मिनट की कैंडल पे, एक सेकंड, ये लेवल है, 5 मिनट की कैंडल पे अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा तेजी आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, फिर भी वही लेवल अभी भी सस्टेनेबल है। तो अब मैं इसको उठा के थोड़ा सा और ऊपर कर दूँ। अब अगर 3870 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करता है तो हम कल इसमें बाइंग करने वाले हैं। 3870 के अब बाय करने वाले हैं, है ना। और सेलिंग का लेवल बिल्कुल देखिए, एक रेंज बाउंड है, इसके पीछे का लॉजिक क्या बन रहा है, एक रेंज में फंसा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है यहाँ पे, तो एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स बन रहा है। इस बॉक्स के नीचे हम सेल करेंगे। इस बॉक्स के नीचे का लेवल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 50 रुपीज़, 3850 रुपीज़ के नीचे हम इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास TCS में लेवल होगा। होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक हमारे वेबिनार को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो मेरे भाई। वेबिनार को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बिल्कुल जीरो से साइकोलॉजी आपके स्ट्रांग बनाया जाता है, किस तरह से अगर आप ट्रेडर हो किस तरह से आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। ट्रेंड लाइन सिखाया जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाया जाएगा, ऑप्शन चेन सिखाया जाएगा, बहुत कुछ। 2 दिनों का ये मेगा वेबिनार है, सिर्फ 499 रुपये में। इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए, थैंक यू यार। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके अभी ज्वाइन कर लीजिए।